नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए एक विशेष सुविधा शुरू करने जा रही है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब घर से सामान ले जाने या स्टेशन से सामान घर तक पहुंचाने की चिंता से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। कुलियों से रेट को लेकर अब किचकिच भी नहीं होगी। दरअसल अब रेलवे ही आपका सामान घर से बर्थ और दूसरे शहर तक पहुंचाएगा। पूर्व मध्य रेल के दानापुर रेल मंडल ने इस नई सुविधा को मंजूरी भी दे दी है। दानापुर मंडल से इसकी शुरुआत की जिम्मेदारी एजेंसी बुक एंड बैगेज .com को मिली है। फरवरी के अंतिम हफ्ते तक पटना में भी इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें कि देश भर में इस सुविधा को सबसे पहले अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 23 से 26 जनवरी के बीच शुरू करने की योजना है। इसके बाद बेंगलुरु और नागपुर में इसकी शुरुआत होगी। पूर्वी भारत में पहला जंक्शन पटना का ही है जहां से इस सुविधा को शुरू किया जाएगा। जिन शहरों में रेलवे द्वारा इस सुविधा की शुरुआत होगी उन शहरों की सूची में पटना देश का चौथा शहर होगा। वहीं पटना जंक्शन के निदेशक डॉक्टर नीलेश कुमार ने बताया कि इस योजना की मॉनिटरिंग मंडल के वरीय वाणिज्य पर्यवेक्षक खुद कर रहे हैं। पटना जंक्शन पर एजेंसी को रेलवे ने अमानती सामान गृह क्लॉक रूम में 300 वर्ग फीट जगह दी है। एजेंसी सेटअप के लिए काम करना शुरू कर चुकी है। एजेंसी के ही चंचल घोष ने बताया कि सुविधा का नाम एंड टू एंड पैसेंजर बैगेज सर्विस है। उन्होंने बताया कि सामान बुक करने के लिए एजेंसी ऐप व वेबसाइट भी बना रही है। तो आइए जानते हैं लगेज की बुकिंग कैसे की जाएगी। दरअसल लगेज की बुकिंग सुविधा पूरी तरह से डिजिटल होगी। यात्रियों के लिए ऐप और वेबसाइट पर बुकिंग का विकल्प होगा। ऐप को मोबाइल फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। बैग की साइज, वजन और अन्य जानकारियां उपलब्ध करानी पड़ेगी, फिर उसके अनुसार ही शुल्क लगेगा। अब एक नज़र बुकिंग शुल्क पर भी डालते हैं। बुकिंग शुल्क स्टेशन की दूरी और वजन के हिसाब से लगेगा। इस सुविधा के लिए अधिकतम दूरी 50 किलोमीटर रखा गया है। इस सुविधा में सबसे कम रेट 125 रुपये होगा। वहीं 10 किलोमीटर की दूरी और न्यूनतम 10 किलो के बैग का एक साइड का शुल्क 125 रुपये होगा। जबकि बर्थ तक सामान ले जाने के लिए कूली का निर्धारित शुल्क भी लगेगा। एक से अधिक लगेज होगा तो पहले लगेज का शुल्क 125 रुपये होगा, जबकि बाकी के लगेज का शुल्क 50-50 रुपये होगा। आपको बता दें कि अधिकतम 5 लगेज के लिए ही यह सुविधा उपलब्ध है। लगेज की रैपिंग व सैनिटाइजेशन की सुविधा का भी लाभ लिया जा सकता है। GPS सिस्टम से आप ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। आपके सामान का बीमा भी मिलेगा। बताते चले कि भारतीय रेलवे समय समय पर यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी सेवाओं को आधुनिक करता आया है। समय समय पर रेलवे द्वारा कई बदलाव भी देखने को मिला है। अब रेलवे द्वारा यात्रियों की लगेज संबंधी सुविधा शुरू हो जाने से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को काफी मदद मिलेगी। सफर के दौरान यात्रियों को अपने लगेज की वजह से कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी तब उत्पन्न होती है जब स्टेशन पर कोई कुली मौजूद नहीं होता है। कई बार कुलियों से नोकझोंक भी देखने को मिला है। रेलवे की इस नई सुविधा से यात्रियों को इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।